हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ प्रॉन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आई होप बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आलू लेंगे, आलू को छील लेंगे। अब हम आलू को कट कर लेंगे। देखिए मैं कैसे इसको कट कर रही हूँ, वैसे ही आप इसके कट कीजिए। हमें कुछ इस तरह के शेप में आलू को चाहिए। तो अब हम इसे धो लेंगे। तो हमें चाहिए आलू और यहाँ पे एक मसाला का पेस्ट है और ये है प्याज और थोड़ा सा अदरक और लहसुन, और जो मेन है वो है प्रॉन को मैंने धो के क्लीन करके रखा है। तो चलिए मसाले को पहले हम बना लेते हैं। तो मिक्स मसाले के लिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर। इसके बाद हम देंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं दे रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो बस आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जो बबल्स है वो अच्छे से मिल जाए पानी में। तो ये हमारा रेडी है। तो चलिए हम अब बनाते हैं प्रॉन्स को। पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसमें देंगे नमक। अब इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो कढ़ाई में सरसों का तेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे अच्छे से हीट करके अब इसमें प्रॉन को दे दीजिए। तो सारे प्रॉन्स जो है हमने यहाँ पे दे दिया है। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसे हम लाइट फ्राई करेंगे, ज़्यादा अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा जो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए ये पानी भी छोड़ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद अभी हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल देके इसको हीट करके दे देंगे इसमें जीरा और देंगे 2 तेज पत्ते। तो अच्छे से इसको आप सॉटे कर लीजिए। इसके बाद इसमें हमें देना पड़ेगा प्याज। प्याज की जो वीडियो है मैं नहीं कर पाई। इसके बाद आप प्याज देके इसमें दे देंगे आलू जो हमने कट करके रखे थे, वो आलू और जो ग्रीन चिलीज थे वो हम इसमें दे देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और जो मसाला हमने बनाया था वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम देंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी, बस थोड़ा सा ही। तो सारे चीजों को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। अब सारे चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए। इसे हमें तब तक भूनना पड़ेगा जब तक इसका रॉ जो स्मेल है वो चला नहीं जाता। तो अब इसे थोड़ा सा ढक के पका लेंगे और जो और हमें गैस का जो फ्लेम है वो धीमी रखनी पड़ेगी। तो कुछ देर के बाद आप देखिए ये जो मसाले हैं वो ऑयल को छोड़ चुके हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है।
अब हम इसमें जो फ्राई करके रखे थे प्रॉन वो दे देंगे। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप जैसा इसको चाहते हैं ग्रेवी, और अगर आप चाहते हैं कि एकदम मसाला हो तो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कीजिए। को कुछ देर के बाद देखिए ये हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये आपको पसंद आएगा ही आएगा। मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, ये सिंपल है पर खाने में इतना टेस्टी लगता है क्या बताऊँ। और इसका जो स्मेल है ना वो एकदम अलग ही लेवल का आता है, तो प्लीज़ आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो फिर आपको सारे न्यू न्यू मेरे जो वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी न्यू वीडियो लेके।